Hello student, good morning. Today we are going to teach you class 3rd to 5th mathematics and today our topic is Roman numerals. We are going to teach topic of Roman numerals. Roman numerals is developed by Romans and it is a special rule to represent द नंबर्स. ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल रूल है, एक तरीका जिससे हम लोग नंबर्स को एक अदर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स, देयर आर सेवन सिंबल. द रोमन यूज सेवन बेसिक सिंबल टू राइट एनी नंबर्स. रोमन न्यूमरल्स में सेवन सिंबल का यूज करते हैं, वनली सेवन सिंबल. उसी सेवन सिंबल से हम लोग बहुत कई मेनी नंबर्स, हम लोग जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे काउंटिंग, जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं, जैसे हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में जो नंबर लिखते हैं उसी तरह हम लोग इसी काउंटिंग को लिखने का एक दूसरा तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स में केवल सेवन सिंबल का यूज करके हम लोग सभी नंबर्स फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. अंडरस्टैंड? अब ये जो सेवन सिंबल होते हैं, लुक हियर, आई वी एक्स एल सी डी एंड एम, रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. वैल्यू क्या क्या वैल्यू होती है रोमन, जिस हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की रोमन न्यूमरल्स वैल्यू क्या होती है? तो रोमन न्यूमरल्स आई मीन्स वन. अगर रोमन न्यूमरल्स में आई लिखा गया तो इसका मीन्स हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में तो इसकी वैल्यू वन होगी. वी, वैल्यू ऑफ वी इन रोमन न्यूमरल्स, इट्स वैल्यू इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फाइव. वैल्यू ऑफ टेन इज एक्स. टेन को हम लोग रोमन न्यूमरल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स राइट करते हैं. फिफ्टी, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फिफ्टी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाई एल. 100 रिप्रेजेंट, 100 रिप्रेजेंट बाय सी, 500 रिप्रेजेंट बाय डी एंड 1000 रिप्रेजेंट बाय एम. अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स हैं रोमन न्यूमरल्स को हम लोग किस तरह से हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करने के लिए या राइट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. वो रूल्स हमारे क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे. अंडरस्टैंड? बेसिक रूल्स ऑफ फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स. फर्स्ट रूल, लुक हियर, द लेटर्स आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ थ्री टाइम्स मल्ले एंड रिपीटिशन मीन्स एडिशन. इट मीन्स ये जो लेटर्स हैं आई एक्स सी एंड एम, इनका हम लोग इसको रिपीट करते हैं केवल यही फोर सिंपल, फोर सिंबल का ही रिपीटिशन होता है, रिपीट करते हैं. लेकिन रिपीटिशन कितने टाइम्स होना चाहिए? मैक्सिमम थ्री टाइम्स, मैक्सिमम थ्री टाइम्स. थ्री टाइम्स से एबव अगर आपने रिपीटिशन दिखाया, शो किया, तो दैट इज रॉन्ग. लुक हियर, देखिए आई थ्री टाइम्स, आई 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 थ्री टाइम्स आई लिखने मीन्स वन प्लस वन प्लस वन. और रिपीटिशन मीन्स क्या बात, रिपीट करने का मतलब यहाँ रिपीटिशन मीन्स एडिशन. यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वन प्लस वन प्लस वन इक्वल थ्री. हियर एक्स एक्स टू टाइम्स, हियर रिटेन एक्स टू टाइम, एक्स एक्स टेन प्लस टेन इट मीन्स ट्वेंटी. हियर रिटेन सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? लुक हियर, वैल्यू ऑफ सी इज हंड्रेड, थ्री टाइम्स रिपीटिशन ऑफ सी. So, 100 प्लस 100 प्लस 100 इक्वल 300. इट मीन्स रिपीटिशन हम लोग मैक्सिमम थ्री टाइम्स करेंगे. लुक हियर, एम 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 रिपीटिशन टू टाइम्स रिपीट कर सकते हैं आप, थ्री टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? वन टाइम तो ऑलरेडी हम लोग राइट कर सकते हैं, बट फोर टाइम्स अगर आपने रिपीटिशन किया तो दैट इज रॉन्ग. फोर टाइम्स आपका रिपीटिशन ये रॉन्ग है. थ्री टाइम्स मैक्सिमम हम लोग रिपीटिशन करेंगे, थ्री टाइम्स. और रिपीटिशन मीन्स होता है एडिशन.
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वैल्यू होगी 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 मीन्स 3000। अंडरस्टैंड? और ध्यान रखिएगा केवल जो रिपीटेशन होगा आई एक्स सी एंड एम इन्हीं का रिपीटेशन होता है, इसके अलावा और जो थ्री आपके सिंबल रिमेंस है, थ्री सिंबल रिमेंस कौन है ये एक वी एल एंड डी, इनका रिपीटेशन। सेकेंड रूल्स द न्यूमरल्स वी एल डी कैन नेवर बी रिपीटेड नॉर सब्ट्रैक्टेड, इट मीन्स इनका ना तो रिपीटेशन होता है और ना ही आपका सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, ना तो इसको हम लोग किसी भी टाइम मतलब मेनी टाइम्स हम लोग अगर रिपीट ना ही करेंगे, इनका रिपीटेशन ना ही होता है और ना ही सब्ट्रैक्ट, ना ही इनको हम किसी दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अगर कहीं पे आपका लिखा है वी वी दैट इज रॉन्ग, यल यल दैट इज रॉन्ग, ये नहीं कि यल एंड यल टू टाइम ऐड कर दिया 100 हो जाए, दैट इज रॉन्ग, वी टू टाइम ऐड कर रिपीट कर दिया आफ्टर एडिंग वी गेट 10, दैट इज रॉन्ग, इसका रिपीटेशन नहीं होता, वी एंड डी का रिपीटेशन नहीं होता और ना ही ये किसी दूसरे में ग्रेटर नंबर में से ना ही ये सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। अंडरस्टैंड? थर्ड पॉइंट, स्मॉलर न्यूमरल्स रिटेन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल्स इज ऑलवेज एडेड टू ए लार्जर न्यूमरल्स, इट मीन्स एक स्मॉलर न्यूमरल्स को, देखिए ये एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉलर है, एल इज रिटेन टू द राइट ऑफ द लार्जर न्यूमरल, एल क्या है, एल आपका एक्स से ग्रेटर है तो ये लार्जर न्यूमरल्स हो गया एल, और उसके राइट हैंड साइड में अगर स्मॉलर न्यूमरल्स अगर लिखा गया इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एड हो रहा है, यानी एल के साथ हम लोग एक्स को एड कर देंगे, एल इट मीन्स एल की वैल्यू 50 एंड एक्स की वैल्यू 10, 50 प्लस 10 60, सी एल सी की वैल्यू सी एल इज ग्रेटर एंड एल इज स्मॉलर, और हमेशा एक ग्रेटर वैल्यू से अगर ग्रेटर वैल्यू के राइट हैंड साइड की तरफ अगर स्मॉलर वैल्यू लिखा गया इसका इट मीन्स एडिशन, इस ग्रेटर वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू में स्मॉलर वैल्यू को हम लोग एड कर रहे हैं, तो सी प्लस एल 100 प्लस 50 इक्वल 150। अंडरस्टैंड? इसी तरह अदर वी आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, 5 प्लस 1 इट मीन्स 6, तो एक ग्रेटर वैल्यू और उसके राइट हैंड साइड में कोई अगर स्मॉलर वैल्यू उससे स्मॉलर वैल्यू हमेशा राइट करेंगे, इस ग्रेटर वैल्यू के राइट हैंड साइड में स्मॉलर वैल्यू इट मीन्स इसका एडिशन, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? इस तरह से आपका एडिशन। फोर्थ, ए स्मॉलर न्यूमरल्स रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल्स इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल्स इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, इट मीन्स अगर एक स्मॉलर न्यूमरल्स रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ द लार्जर न्यूमरल्स, अगर लार्जर न्यूमरल्स के लेफ्ट साइड में अगर आप एक स्मॉलर न्यूमरल्स को राइट कर रहे हैं तो इट मीन्स उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लुक हियर, सी वैल्यू ऑफ सी इज ग्रेटर देन एक्स, और सी से लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक्स लिख रहे हैं तो इट मीन्स इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 100 माइनस 10 इक्वल 90। लुक हियर, आई एक्स एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर, वैल्यू ऑफ आई इज लेस फ्रॉम एक्स, एक्स से आई की वैल्यू छोटी है और अगर ये आई एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में अगर लिख रहे हैं तो इट मीन्स हमेशा ग्रेटर नंबर, कोई भी ग्रेटर नंबर आप कंसिडर किए लाइक दैट सी हमने कंसिडर किया ग्रेटर नंबर, और सिर्फ इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई स्मॉलर नंबर लिख रहे हैं स्मॉलर नंबर, तो इट मीन्स उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसमें आपको ध्यान देना होगा, ध्यान क्या देना होगा कि कुछ ही नंबर, जैसे ये नहीं कि अब सी से पहले हम लोग अगर आई लिख देंगे तो डेट इज रॉन्ग, क्योंकि सी से आई सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, सी से
सी से ना तो आई सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो वी करते हैं। अगर सी से आई या वी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज रॉन्ग। अंडरस्टैंड? सी हियर वी राइट एक्स, सी से एक्स हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सी से पहले अगर एक्स लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक्स लिखा है इट मीन्स सी 100, सी की वैल्यू 100 और लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर वैल्यू इसको माइनस एक्स वैल्यू 10, 100 माइनस 10 इक्वल 90। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स। आई को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी आई किसके पहले हम लोग किससे लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, यानी कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स, वी और एक्स में से आई को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी अगर वी एक्स यहां पे अगर आई लिखने यहां पे आए दैट इज करेक्ट, लेकिन अगर आप सी डी एम एल अगर इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आई आई अगर यहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एल सी डी एम इसमें से किसी में से अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। आई को इसमें से आई को सब्ट्रैक्ट होता है ऐड किसी में कर सकते हैं, यहां पे एल आई लिख सकते हैं, सी आई डी आई एम आई ऐड किसी में भी कर सकते हैं, एडिशन किसी में भी कर सकते हैं आई का, लेकिन आई सब्ट्रैक्ट होगा केवल एंड केवल ओनली आपका वी एंड एक्स के साथ। अंडरस्टैंड? सेकेंड, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एल एंड सी, एल एंड सी एक्स कैन बी, इससे पहले हम लोग एक्स लिख सकते हैं, इसके पहले एक्स लिख सकते हैं, यानी ये देखिए ग्रेटर नंबर है उससे पहले अगर उससे लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये वैल्यू लिखा गया इट मीन्स इसका हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग अगर इसके पहले ये लिख दिया वैल्यू तो इसका मतलब इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स यर की वैल्यू 50 माइनस 10 इक्वल 40, हियर सी की वैल्यू 100 माइनस एक्स की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 10 इक्वल 90। अंडरस्टैंड? लेकिन ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यही एक्स अगर आपने डी एंड एम में से अगर सब्ट्रैक्ट किया स्मॉल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं वी एंड एक्स के साथ वी से, लेकिन यहां पे डी एंड एम के साथ अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप एक्स दैट इज रॉन्ग। अंडरस्टैंड? यानी अगर यहां पे अगर आपने लिख दिया डी से पहले एक्स और एम से पहले एक्स तो दैट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ये गलत है, इट इज रॉन्ग। अंडरस्टैंड? एंड सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम, सी सी को ऑलवेज हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे डी एंड एम, डी एंड एम डी की वैल्यू 500 इससे पहले अगर सी लिखे हैं और एम की वैल्यू 1000 इससे पहले सी लिखे हैं इट मीन्स 500 माइनस 100 इक्वल 400 और एम की वैल्यू 1000 1000 माइनस 100 इक्वल 900। डी एंड एम से पहले अगर लिख रहे हैं सी तो ये दैट इज कर ये सही आपका। देखिए एडिशन यहां पे डी एंड एम एडिशन आप कर सकते हैं, ऐड किसी भी ग्रेटर नंबर में ग्रेटर नंबर के साथ स्मॉलर नंबर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ये कंपलसरी है कि आप आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओनली एल एंड सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम डी एंड एम। अंडरस्टैंड? सम हाउ कैन बी राइट रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स को लिखने का एक सबसे आसान तरीका, लुक हियर कैसे हम लोग रोमन न्यूमरल्स को एक आसान, जैसे आपको एक हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखा गया 39, इसको हमें रोमन न्यूमरल्स में राइट करना है, कैसे लिखेंगे लुक हियर, पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 39 इज 30 प्लस 9, 30 की वैल्यू x, 3 टाइम्स रिपीट करेंगे x x x
एंड वैल्यू ऑफ नाइन इज आई एक्स 425. फर्स्टली राइट 425 इन एक्सपेंडेड फॉर्म 400 प्लस 20 प्लस 5 400 वैल्यू ऑफ 400 इज डी डी की वैल्यू 500 डी से पहले अगर सी अगर ऐड करेंगे तो उसमें से 100 माइनस होगा यानी सी डी से हम सी माइनस कर रहे हैं यानी 500 माइनस 100 इक्वल 400 प्लस 20 20 की वैल्यू आपकी क्या होगी एक्स एक्स प्लस 5 की वैल्यू वी प्लस का सिंबल हटाने पर आपका क्या सी डी एक्स एक्स वी अंडरस्टैंड लुक हियर 139 इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या राइट करेंगे आप 100 प्लस 30 प्लस 9 100 सी 30 एक्स 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 वैल्यू ऑफ 9 इज आई एक्स अंडरस्टैंड प्लस की प्लस सिंबल रिमूव करेंगे सी एक्स 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 आई एक्स इन दिस वे वी कैन राइट अदर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स इन द फॉर्म ऑफ रोमन न्यूमरल्स ओके न्यू टॉपिक वी विल डिस्कस इस नेक्स्ट वीडियो थैंक्स